एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 शो दैट एक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, इसको हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे, सॉल्व करेंगे और शो कर देंगे राइट हैंड साइड के इक्वल, और राइट हैंड साइड पर क्या है 1। तो हम इस क्वेश्चन को राइट करते हैं एक्स पार ए ओवर एक्स पार बी, और पार है ए प्लस बी, एक्स पार बी ओवर एक्स पार सी बी प्लस सी इंटू एक्स पार सी ओवर एक्स पार ए इंटू सी प्लस ए। यहाँ पर हमने क्या काम किया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया है, इसको हम सॉल्व करेंगे और किसके इक्वल शो करेंगे 1 के। जब भी हमारे पास क्या होती हैं ब्रैकेट्स, तो हमें पता है कि पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स में क्या है, बेसिस सेम है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर वाला बी है एक्स की पार में, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस बी ए प्लस बी। मतलब कहने का ये है कि हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है यहाँ से, एक्स पार बी सी जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस सी, इसी तरह से एक्स पार सी ए जब ऊपर जाएगा तो माइनस ए बन जाएगा, और पार क्या है सी प्लस ए, और इसकी पार क्या है बी प्लस सी। अब हम सॉल्व करते जाएंगे और चेक करेंगे क्या हमारे पास 1 बनता है या नहीं बनता। अब x को हम सेपरेट राइट कर लेंगे और पार्स जो हैं इनकी हम एक साथ राइट कर लेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में हमें पता चलेगा कि हमने इनके पार्स को एक साथ राइट क्यों किया है। इसी तरह से x पार b माइनस सी और b प्लस सी, और इसी तरह से x की पार c माइनस a इंटू सी प्लस a। तो इसकी रीज़न हमें अब पता चलेगी कि हमने क्यों पार्ट्स को एक साथ राइट किया है। हमने पढ़ा हुआ है एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। मतलब अगर टू टर्म्स जिनमें a वाली टर्म सेम हो, b वाली टर्म सेम हो और इनके साइन ऑपोजिट हो, मतलब एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो हम उसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने कुछ इसी तरह से फॉर्म बनानी है, एक्स पार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स पार बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एक्स पार सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने क्या काम किया है, ये जो फार्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया है, सिंपल और कुछ भी नहीं किया, इस फार्मूले को अप्लाई किया है। इस शेप में हमारे पास पार्ट्स थी तो हमने इस शेप में राइट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बेसिस हमारे पास सेम है, मतलब एक्स, तो पार्ट्स को हम क्या कर देंगे प्लस, जब बेसिस सेम होती हैं तो पार्ट्स ज़ेड होती हैं, तीनों बेसिस में एक्स है तो हम क्या करेंगे इसको प्लस कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, इसी तरह से माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स की पार में क्या बचा 0। और हमें पता है किसी भी नंबर की पार, किसी वेरिएबल की पार अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो यही हमने प्रूफ करना था। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद कि जो हमारा फाइनल आंसर हो वो 1 के इक्वल हो, तो वह हमने प्रूफ कर लिया। हैंस प्रूफ्ड, हमने क्या प्रूफ कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।